Hi guys, myself Seema Saljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about detailed explanation of microfilaments. बच्चों इससे पहले microtubule already detailed video भी जा चुका है, उसका shorts भी मैंने upload कर दिया है. और ये है हमारा cytoskeleton का second portion microfilaments. अगर syllabus की बात करें तो हमारा ये BSc first year फर्स्ट पेपर यूनिट 2 चल रहा है. ठीक है, इसमें हमारा साइटोस्केलेटन वाला पोर्शन हो गया, माइक्रोटिब्यूल भी हो गया है. अभी हम माइक्रोफिलामेंट डन करेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है माइक्रोफिलामेंट. बच्चों मैंने पहले भी कहा है कि नाम में ही उसका काम छिपा होता है. माइक्रो मीन्स बहुत ही छोटा और फिलामेंट मीन्स फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एक्टिन फिलामेंट, इसको हम एक्टिन फिलामेंट के भी नाम से जानते हैं. सॉलिड थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है. राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. राइट हैंडेड मीन्स जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, राइट हैंडेड उसी तरह इसका भी होता है. ठीक है, और डायमीटर की बात करें तो ये कितना होता है आपका, 8 नैनोमीटर होता है. प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी के साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं. मेनली माइक्रोफिलामेंट के अंदर दो चीज़ हमें पढ़ना होता है, एक एक्टिन फिलामेंट और दूसरा मायोसिन. तो वन बाय वन करके हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि पहले एक्टिन फिलामेंट क्या है और मायोसिन क्या है. तो आइए देखते हैं पहले एक्टिन फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट मेडअप ऑफ जी एक्टिन्स, मेडअप ऑफ जी एक्टिन्स, जी फॉर ग्लोबुलर एक्टिन. कितना होता है इसका वेट, 43 किलो डाल्टन का बना होता है. ये एक एटीपेज होता है. ठीक है, ईच जी एक्टिन कॉन्टेंस मैग्नीशियम 2+ आयन कम्प्लेक्स विथ आइदर ATP और ADP. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल में हमने देखा था वहाँ GTP था और कैल्शियम आयन था. और माइक्रोफिलामेंट में क्या है, डिफ्रेंसिएशन अगर हम दोनों का करें, माइक्रोफिलामेंट में क्या है आपको, मैग्नीशियम आयन है और ATP होता है. जी एक्टिन इज हाईली कंजर्व्ड साइटोस्केलेटल प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट एट हाई कंसंट्रेशन इन नियरली ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. जी एक्टिन जो होता है वो बहुत ही कंजर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन होता है जो कि बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है. कहाँ, जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें. इट इज मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर प्रोटीन इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स. ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इंट्रासेलुलर प्रोटीन होता है कहाँ, यूकैरियोटिक सेल्स में. ठीक है, जी एक्टिन सब यूनिट्स असेंबल्ड हेड टू टेल टू जनरेट फिलामेंटस एफ एक्टिन विथ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल पोलैरिटी. अभी हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये हेड टू टेल अरेंजमेंट क्या होता है और स्ट्रक्चरल पोलैरिटी क्या होता है. तो बच्चों जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये हो सकता है कि आपको केवल एक्टिन फिलामेंट वेरी शॉर्ट में आ जाए या फिर मायोसिन वेरी शॉर्ट में आ जाए. और ज़्यादा चांस है कि ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप में माइक्रोफिलामेंट आएगा 9 नंबर वाले क्वेश्चन में. और अगर 15 मार्क्स में जब भी आएगा तो साइटोस्केलेटन आएगा कंप्लीट, उसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल का भी एक्सप्लेनेशन देना है, माइक्रोफिलामेंट का भी और इंटरमीडिएट फिलामेंट के भी. लेकिन जो क्वेश्चन सेट करता है, कभी अगर उसका दिमाग घूम जाए और अगर माइक्रोफिलामेंट आपको 15 मार्क्स वाले में आ जाए या फिर माइक्रोट्यूब्यूल आ जाए, तो माइक्रोटिब्यूल तो ऑलरेडी हम डन कर चुके हैं और माइक्रोफिलामेंट अभी हम डन करने वाले हैं, तो इतना कंटेंट आपके लिए सफिशियंट होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्टिन फिलामेंट. अभी हम वन बाय वन स्ट्रक्चर भी देखेंगे. दूसरा पोर्शन क्या आता है आपका, मायोसिन. मायोसिन क्या होता है, तो मायोसिन आपका एक्टिन फिलामेंट बेस्ड मोटर प्रोटीन होता है, एक्टिन पर बेस्ड मोटर प्रोटीन होता है. द फॉर्म ऑफ मायोसिन फाउंड इन मसल फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई मायोसिन टू, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है. और सबसे पहला जो आइडेंटिफाई किया गया था कौन सा मायोसिन था, वो मायोसिन 2 था. ईच मायोसिन 2 मॉलिक्यूल इज एन ओलिगोमर. ओलिगो मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट, बहुत सारे यूनिट का बना होता है. कंपोज्ड ऑफ 1 पेयर ऑफ आइडेंटिकल हैवी चेन्स एंड 2 पेयर्स ऑफ नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन्स. कैसे होता है आइए देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में देखिए. यहाँ देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है. तो 1 पेयर ऑफ हैवी चेन, ये वाला पोर्शन आपका हैवी चेन है और ये ऊपर में इसे लाइट चेन, नॉन आइडेंटिकल लाइट चेन्स है. ठीक है, 2 लाइट चेन है, 2 हैवी चेन है, इस तरह से. ईच ऑफ द हैवी चेन्स हैज़ अ ग्लोबुलर हेड डोमेन. ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, ये वाला ग्लोबुलर हेड डोमेन है आपका, हैवी चेन पे ही तो ये प्रेजेंट है. और एट इट्स एंड टर्मिनस, किस टर्मिनस पे प्रेजेंट है, यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है, ये सी टर्मिनस है हमारा और ये एंड टर्मिनस है.
ये सी टर्मिनस है और ये एन टर्मिनस। तो एन टर्मिनस पे ये ग्लोबुलर पोर्शन प्रेजेंट होता है। कॉन्टेंस एक्टिन बाइंडिंग साइट, यही आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है ABS, जहाँ से आपको एक्टिन बाइंड करता है। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, एक्टिन और मायोसिन के बारे में। अब वन बाय वन हम आते हैं किसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। पहले हम एक्टिन का देखेंगे फिर हम मायोसिन का देखेंगे। तो ये है हमारा एक्टिन का स्ट्रक्चर। तो आइए पहले एक्सप्लेन करते हैं इसको क्या होता है कैसे होता है। टू पैरेलल एफ एक्टिन ट्विस्ट अराउंड ईच अदर इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स टू फॉर्म एक्टिन फिलामेंट। दो पैरेलल एफ एक्टिन होता है जो राइट हैंडेड हेलिक्स में आपको पैरेलली अरेंज होता है, इस तरह से जो अभी मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। एक्टिन फिलामेंट्स आर थीनर, मोर फ्लेक्सिबल, मच शॉर्टर देन माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल से पतला होता है, फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होता है और छोटा भी होता है किसे, माइक्रोट्यूब्यूल से। अब देखिए ये मैंने एक लेफ्ट साइड आपको एक एक्टिन दिख रहा है, ये मैंने एक एक्टिन आपको शो किया है जिसमें आपको ये आपको प्लस एंड दिख रहा है और ये माइनस एंड दिख रहा है। यहाँ देखिए यहाँ से और ATP सारे में प्रेजेंट है, माइनस प्लस इस तरह से करके। और अगर इसी का ये एक एफ एक्टिन है फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और जब यही आपको दो में पैरेलली अगर अरेंज होगा आपको बिल्कुल हेलिक्स के फॉर्म में, तब कैसा स्ट्रक्चर बना देता है, इस तरह से बन रहा है आप देख रहे हैं। टू पैरेलली अरेंज होता है एक्टिन, और ये जो ऊपर वाला इंड दिख रहा है ये वाला प्लस इंड, इसी को क्या कहते हैं, बार्ब्ड इंड, जो कि फास्ट ग्रोइंग होता है, जल्दी ग्रो करता है। और नीचे आपको ये माइनस इंड है जिसको क्या कहते हैं हम, माइनस इंड को पॉइंटेड इंड, जो कि स्लो ग्रोइंग होता है। ठीक है, टू एफ एक्टिन कॉल्ड पैरेलली टू एफ एक्टिन कॉइल्ड पैरेलली अराउंड ईच अदर इन राइट हैंडेड हेलिक्स टू फॉर्म एक्टिन फिलामेंट। ये क्या है, राइट हैंडेड अरेंजमेंट है। इस तरह से आपको जैसे DNA का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, बनाया भी होगा इस तरह से, और ये कॉइल्ड होते हैं पैरेलली अराउंड ईच अदर, और इसको क्या कहेंगे, एक्टिन फिलामेंट। तो दो इंड होता है, एक प्लस इंड जिसको बार्ब्ड इंड कहते हैं। कोड के लिए आप BP याद रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर, बी फॉर बार्ब्ड इंड, पी फॉर प्लस इंड, और माइनस इंड के लिए MP आप याद रख सकते हैं, माइनस इंड एंड पॉइंटेड इंड, या फिर PM। हमारे PM को BP की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है, होगी मोदी जी को BP की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, तो इससे आप याद रख सकते हैं PM प्राइम मिनिस्टर, पॉइंटेड इंड, माइनस इंड और BP ब्लड प्रेशर, बार्ब्ड इंड, प्लस इंड। ये छोटा सा कोड भी मैंने आपको याद रखने के लिए बता दिया। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, एक्टिन फिलामेंट का, कैसा होता है, ट्रेडमिलिंग का। ट्रेडमिल आपने एक्सरसाइज वाले ट्रेडमिल के बारे में तो सुना होगा, तो बिल्कुल ये भी वैसे ही काम करता है। यहाँ देखिए ये इस तरह से बना हुआ है आपको पॉइंटेड और बार्ब्ड इंड, ये वाला पोर्शन आपको पॉइंटेड इंड दिख रहा है यहाँ से, देखिए ये यहाँ से इस तरह से निकला हुआ है ना, तो इसको कहेंगे पॉइंटेड इंड, और ये आपको बार्ब्ड इंड दिख रहा है। पॉइंटेड इंड से इस तरह से ट्रेडमिल में जैसे स्लाइड करता रहता है, उस तरह से ये पॉइंटेड इंड आपको ADP यहाँ से फिर ATP बनाता है, और फिर ये बार्ब्ड इंड, और फिर ये बार्ब्ड इंड ऊपर जब जाता है तो ये देखिए ATP दिख रहा है। इस ATP का हाइड्रोलिसिस जब होता है तो ये ATP कैचेज में कन्वर्ट हो जाता है आपको ADP में, ये है आपको ATP, और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिमूव हो जाता है, तब ये बना देता है ADP। तो ये ADP जो पॉइंटेड इंड है उससे लेके फिर से यहाँ पर आता है, और फिर ADP को किस में कन्वर्ट करता है, ATP में, ये वाला, और फिर ATP कहाँ जाता है, बार्ब्ड इंड पे जाता है, बार्ब्ड इंड पे फिर ये मूव करता है, और फिर अगेन हाइड्रोलिसिस होता है, और फिर ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसका, एक्टिन फिलामेंट का। क्योंकि अभी हमने एक्टिन के स्ट्रक्चर में ही देखा बार्ब्ड इंड और पॉइंटेड इंड, तो इसी में तो ट्रेडमिलिंग की प्रोसेस होगी। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है आपको पॉइंटेड इंड पे क्या होता है, पॉइंटेड इंड आपका स्लो ग्रोइंग होता है, पॉइंटेड इंड आपका स्लो ग्रोइंग होता है, कहाँ होता है, माइनस इंड पे। अभी हमने आपको कोड भी बताया, पी फॉर पॉइंटेड एंड एम फॉर माइनस इंड। प्राइम मिनिस्टर जी को BP की प्रॉब्लम नहीं है, BP मीन्स बार्ब्ड इंड, और फास्ट ग्रोइंग है तो ये क्या होगा, प्लस इंड। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को क्या है, BP की प्रॉब्लम नहीं है, बार्ब्ड इंड ग्रोज फास्टर, प्लस इंड। ये हो गया आपको कंप्लीट एक्टिन फिलामेंट के बारे में। बच्चों अगर केवल एक्टिन फिलामेंट के बारे में आ जाता है 6 नंबर वाले क्वेश्चन में,
तो आप आराम से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला इंट्रोडक्शन आप एक्टिन फिलामेंट का देख के सॉरी ये वाला, और उसके बाद फिर इस स्ट्रक्चर पे आप आ जाइएगा जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, बार्ड्रिंड और प्लासेंट का और ट्रेडमिलिंग वाला बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक्टिन फिलामेंट के बारे में बताया। अब आइए मायोसिन के बारे में, ये हो गया एक्टिन के बारे में। अगर मायोसिन का आ जाता है तो मायोसिन का ये है आपका मोटर प्रोटीन होता है। आइए देखते हैं मायोसिन क्या है। हमारा एक मोटर प्रोटीन है। कैसा मोटर प्रोटीन है? तो एक्टिन बेस्ड मोटर प्रोटीन है। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी एटीपी टू मैकेनिकल एनर्जी। एटीपी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। द फॉर्म ऑफ मायोसिन फाउंड इन मसल, ये सबसे कहाँ पाया जाता है? मसल्स में पाया जाता है। एंड फर्स्ट आइडेंटिफाइड वाज मायोसिन सेकेंड। सबसे पहले कौन आइडेंटिफाइड हुआ था? मायोसिन सेकेंड हुआ था। अब आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इस मायोसिन में क्या क्या पाया जाता है? अरेंजमेंट ऑफ थिक एंड थिन एक्टिन फिलामेंट इन रिलैक्स्ड स्टेट। जब हमारा मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड स्टेट में होता है तब कैसा स्ट्रक्चर शो होता है? तब बिल्कुल देखिए, यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन आपको बीच वाला थिक पोर्शन दिख रहा है, इसको कहते हैं थिक मायोसिन लाइन। और ये आपको ऊपर थिन लाइन दिख रहा है, थिन लाइन ये वाला, तो इसको क्या कहते हैं आपको? थिन एक्टिन लाइन। ये सिंपल सा डायग्राम है किसका? रिलैक्स्ड स्टेट मायोसिन का। यहाँ पर आपको एक जेड डिस्क होता है, यहाँ दूसरा जेड डिस्क होता है, और ये बीच में आपको एक एम लाइन क्रॉस करता है। ठीक है, ये क्या क्या होता है, कैसे क्रॉस करता है और डिटेल अभी हम और देखेंगे। अब आ जाइए सार्कोमियर। ये है आपका सार्कोमियर का स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये थिन लाइन है किसका? एक्टिन का। ठीक है, और ये जो थिक लाइन है मोटा वाला वो क्या है? मायोसिन। मोटा मायोसिन याद रहेगा, एम फॉर मोटा और एम फॉर मायोसिन। तो मोटा लाइन किसका होगा? मायोसिन का। और थिन जो पतला है वो कौन है? एक्टिन है। और इस यहाँ देखिए दो जेड डिस्क दिख रहा है, ये एक जेड डिस्क, ये एक जेड डिस्क, ये एक यूनिट यहाँ से यहाँ तक एक सार्कोमियर है, ये दूसरा सार्कोमियर है। तो मैं एक को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये एक जेड डिस्क और एक जेड डिस्क के बीच में क्या होता है आपको? ये ए बैंड होता है। यहीं पर आपको एच जोन भी पाया जाता है। क्या होता है ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, सब अभी हम बताएंगे। और अगर ये वाला पोर्शन यहाँ से अगर लेते हैं, दो ए बैंड के बीच का लाइन, एक लाइन आपको ये ए बैंड है और एक ये ए बैंड है, तो इसके बीच में एक आपको आई बैंड पाया जाता है। क्या होता है अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और इसी को क्या, ये जेड डिस्क है हमारा, ये है हमारा एच जोन, एक इधर और एक इधर। कैसे क्या होता है आइए देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सार्कोमियर, अभी सार्कोमियर का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, अब कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है वो हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या क्या होता है आइए देखते हैं। द थिक मायोसिन, मोटा मायोसिन, थिन एक्टिन फिलामेंट्स ऑफ सार्कोमियर शो अ पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड। अल्टरनेट होता है एक लाइट बैंड का और डार्क बैंड का। उसमें क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले आप आइए आई बैंड। आई बैंड को क्या कहते हैं हम? आइसोट्रॉपिक बैंड्स। आई बैंड को आइसोट्रॉपिक बैंड भी कहा जाता है। कॉन्टेन वनली थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन। ये क्या रखता है? केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है एक बार फिर से आ जाइए आई बैंड पे, देखिए कहाँ को आई बैंड शो हो रहा है। यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको बताया पतला वाला लाइन, ये जो पतला वाला लाइन है ये क्या है आपका? एक्टिन ही तो है। तो इस एक्टिन से ही तो ये आपको आई बैंड क्रॉस कर रहा है। ये वाला जो आई बैंड मैंने आपको बताया ये किसका? एक्टिन फिलामेंट को ही तो क्रॉस कर रहा है। तो ये आइसोट्रॉपिक बैंड है, कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्टिन फिलामेंट के बीचों बीच प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए तो क्या लिखा है आपको? कॉन्टेन वनली थिन फिलामेंट दैट इज एक्टिन। दूसरा बैंड क्या है आपको? ए बैंड। ए बैंड क्या कहलाता है? ए बैंड आपको एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहलाता है। कॉन्टेन बोथ थिन एंड थिक फिलामेंट, ये एक्टिन भी रखता है और मायोसिन के बीच में भी प्रेजेंट होता है। कैसे होता है ये देखिए फिर से डायग्राम पे। ए बैंड आपको मोटा मिस मायोसिन, पतला मिस एक्टिन। तो ये मोटा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ, और ये आपको पतला वाला दिख रहा है। तो पतला वाला हमारा एक्टिन है और मोटा वाला क्या है आपको? मायोसिन है। तो ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है ए बैंड, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? एन आइसोट्रोपिक बैंड। उसके बाद आ जाइए आप एच जोन। आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया, उसके बाद एच जोन। एच जोन क्या होता है? तो एच जोन अ नैरो एच जोन इन द सेंटर ऑफ ए बैंड।
ए बैंड के बीच में प्रेजेंट होता है। कंटेंट थिक बट नॉट थिन, मीन्स सिर्फ ये मायोसिन कंटेन करेगा, एक्टिन नहीं करेगा। आइए देखते हैं कैसे एच जोन कहाँ है हमारा। एच जोन यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही जैसा मैंने आपको लाइन बताया है। ये देखिए, ये मोटा वाला लाइन है मायोसिन, एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन, और ये जो आपको ए बैंड शो हो रहा है, और यहीं पर आपको क्या प्रेजेंट होता है, एच जोन। एच जोन ठीक इसी तरह यहाँ देखिए, ये आपको मायोसिन वाला लाइन है, ये आपको मायोसिन वाला लाइन है, ये आपको मायोसिन वाला लाइन है, और यहीं पर आपको क्या प्रेजेंट होता है, एच जोन। ठीक है, ये हो गया आई बैंड, ए बैंड, एच जोन, और एक होता है एम लाइन। एम लाइन क्या होता है, सपोर्टिंग प्रोटीन का काम करता है, सपोर्टिंग प्रोटीन दैट होल्ड द थिक फिलामेंट्स टुगेदर एट द सेंटर ऑफ द एच जोन। थिक बहुत हैवी होता है तो उसको होल्ड करने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वहाँ क्या होता है, एम लाइन होता है। ये मैं इस लाइन में दिखा रही हूँ, तो ये देखिए, ये आपको एम लाइन दिख रहा है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक इस तरह से आता होता है। ये मायोसिन है आपको, तो इसी को ये होल्ड करता है, थिक बैंड को ये होल्ड करके रखा रहता है, तो इसी को कहते हैं। ये कुछ चार जोन जो इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ पर बीच में मैंने रिवीजन बॉक्स भी दे दिया है आपको। आई बैंड में क्या होता है, केवल थिन फिलामेंट होता है, ए बैंड में क्या होता है, थिन और थिक दोनों होता है, और एच जोन में केवल थिक फिलामेंट होता है जो कि मायोसिन होता है। कलर से मैंने ब्लू से आपको एक्टिन दिख रहा है और ऑरेंज से आपको मायोसिन दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया मायोसिन मोटर प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए फंक्शन पे, एक्टिन एंड मायोसिन के का मेन फंक्शन क्या क्या है। तो आपको एक्टिन एंड मायोसिन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन यूकैरियोटिक सेल्स। सम मेजर फंक्शंस कौन कौन सा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंडोसाइटोसिस, साइटोकाइनोसिस इन एनिमल सेल्स, सेल मोटिलिटी, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनेल, क्रॉलिंग मूवमेंट। बच्चा जब छोटा होता है 6 महीने 8 महीने का, तो वो जो आप क्रॉल करता है जमीन पे, वो क्रॉल करता है, घुड़पना जिसको कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉलिंग। तो अमीबा इस टाइप के मूवमेंट का यूज़ करता है। मूवमेंट ऑफ अमीबाज, माइग्रेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इन्वेशन ऑफ टिश्यूज बाय WBC टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन में भी यूज़ होता है, और माइग्रेशन ऑफ सेल्स इन्वॉल्विंग वुंड हीलिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, एक्टिन एंड मायोसिन के। अब आ जाइए क्रॉलिंग मूवमेंट का, थोड़ा सा मैं डायग्राम से एक्सप्लेन की हूँ। तो क्रॉलिंग मूवमेंट में सबसे पहला आपका क्या आता है, एक्सटेंशन। तो यहाँ देखिए, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, स्यूडोपोडिया वाला रीजन, यहाँ से इस तरह से, तो ये क्रॉल करते हुए जा रहा है। अब देखिए दूसरा है अटैचमेंट, तो ये जो स्यूडोपोडिया है वो धीरे धीरे सरफेस के साथ अटैचमेंट बना रहा है। और तीसरा है आपका रिट्रैक्शन, तो रिट्रैक्शन में क्या होता है, रिट्रैक्शन ऑफ सेल इनटू सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में ये रिट्रैक्शन प्रोसेस होता है, और इस तरह से यहाँ देखिए, ये यहाँ तक था सरफेस से अटैचमेंट, और इस तरह से ये मूव करके आगे बढ़ गया, तो ये पीछे इतना मूवमेंट इसका आगे बढ़ गया, तो इस तरह से ये लोकोमोट करता है, लोकोमोशन होता है, मूवमेंट करता है बॉडी का। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। ये मायोसिन मोटर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये एक्टिन का स्ट्रक्चर भी, और एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ट्रेडमिलिंग भी। तो अगर माइक्रो फिलामेंट आपको डिटेल में आएगा तो सारा कुछ आपको देना है। अगर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट आता है तो ये वाला इंट्रोडक्शन और ये वाला डायग्राम देना है। अगर आपको सिर्फ मायोसिन आता है तो फिर आप क्या करेंगे, मायोसिन में सिर्फ ये वाला इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ये वाला जो मोटर प्रोटीन वाला, ये वाला सारा डिटेल आपको देना है। तो मैंने बहुत कोशिश किया है कि डायग्रामेटिक हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूं। बच्चों बुक से तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको याद नहीं रहता, लेकिन जब आप डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं तो एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में डेवलप हो जाता है। मुझे विश्वास है कि अगर 2 से 4 बार आप मेरा वीडियो देख लेंगे या फिर सुन लेंगे अच्छे ध्यान से, तो इतना तो जरूर है कि बुकिश लाइन लैंग्वेज में नहीं देंगे, लेकिन डायग्राम तो आपके दिमाग में सेट हो ही जाएगा, और कुछ ना कुछ तो एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख के आएंगे। और मेन, अगर आप डायग्राम से भी अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, जूलॉजी सब्जेक्ट का ये बहुत ही अच्छा करैक्टरिस्टिक है कि आप चाहें तो पूरा पेपर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम और फ्लो चार्ट के थ्रू हेल्प कर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।